हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट एंड वेलकम टू योर आईटी क्लास। तो बच्चों, मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कंप्यूटर एजुकेटर। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने यूनिट जो पढ़ी थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम समझने वाले इस लेक्चर के अंदर कि RDBMS और कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ लेक्चर को देखना है, अच्छे से समझना है, और इस यूनिट से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन या इस लेक्चर से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी रिलेशनल डेटाबेस की। तो मैंने ये बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसमें डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, मतलब टेबल्स की फॉर्म में होता है। और मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे जैसे कि टुपल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम। तो मैंने बात करी थी कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर बेटा क्या होता है, टेबल्स होती हैं और उस टेबल्स के अंदर डेटा होता है, और हर टेबल में क्या होता है, कॉलम्स होती हैं और रो होती है। टेबल कैसे बनती है, टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनती है। और हमने ये बात करी थी कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, टुपल बोलते हैं। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर इन टर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये टर्म आपको याद रखने। तो जैसे देखिए मेरे सामने बेटा, बोलो तो अगर ये डेटाबेस है मेरे पास, स्टूडेंट डेटाबेस है, तो इसके अंदर बेटा क्या है, टेबल्स है। इसके अंदर टेबल्स है और हर टेबल का कुछ नेम है, ठीक है, और टेबल के अंदर कोई कॉलम है और रिकॉर्ड है। और रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर एक टेबल कुछ ना कुछ रिलेशन बनाती है दूसरी टेबल से। तो बच्चों ये चीज आपको समझनी है क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कीज में इसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस आपको क्लियर है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ कीज की, ठीक है, तो देखो बच्चे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि एक सपोज एग्जांपल लेता हूं कि आपका जो स्कूल का क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं राम के नेम से, सेम नेम है, दो स्टूडेंट ऐसे जिनका नेम सेम है, ठीक है। अच्छा, अब नेम सेम है तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई यार, रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड सेम हो गए मान लीजिए, ठीक है, तो दोनों के नेम सेम है, अब आइडेंटिफाई करेंगे कैसे करेंगे, टीचर के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि राम को कैसे बुलाएं, दूसरे राम को कैसे बुलाएं। तो बच्चे एक ऐसा कॉलम होगा उस टेबल के अंदर, जैसे कि रोल नंबर, रोल नंबर एक ऐसा कॉलम होगा कि राम, जो दो राम है उनका रोल नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा, यूनिक होगा उनका रोल नंबर। तो बच्चे ये कीज क्या है, कीज डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ऐसा कॉलम होता है जो कि आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, एक ऐसा कॉलम जो कि आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं कि भाई आपकी क्लास में वही सेम दो नाम से स्टूडेंट हैं, उनका एड्रेस भी सेम हो गया मान लीजिए, एड्रेस भी सेम है, ठीक है, फादर का नेम भी सेम हो जाता है, बट एक ऐसा कॉलम होगा जिसके थ्रू उन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस किया जा सकता होगा, यूनिकनेस फाइंड की जा सकती होगी। या तो उनका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर दोनों का यूनिक होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, या तो रोल नंबर अलग अलग होगा। तो रोल नंबर और मोबाइल नंबर ये क्या है बेटा, ये एक ऐसे कॉलम है जो कि आपके दोनों रिकॉर्ड में क्या कर रहे हैं, यूनिकनेस फाइंड कर रहे हैं कि ये दोनों रिकॉर्ड क्या है, यूनिक है, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कीज का यही कॉन्सेप्ट है कि कीज करती क्या है, कीज रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड हैं, हर एक रिकॉर्ड को एक यूनिक रिकॉर्ड बनाने का काम कीज का होता है। देखिए यहां पे लिखी है सिंपल सी बात कि कीज प्लेज, कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे आर यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड ऑल्सो यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड एंड रो ऑफ डेटा। तो सिंपल सी यही बात है कि भाई ये बोल रहा है कि जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के बीच में, मैंने कहा मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, कितनी भी टेबल्स हो सकती हैं, उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करता है और हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द
यूज ऑफ की, तो आप ये बोल सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर जो कीज होती हैं उसका कॉन्सेप्ट होता है कि वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है और हर एक रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है कि जिससे हम रिकॉर्ड्स को यूनिक मान सकें, आइडेंटिकल ना माने। क्लियर हो गई बात? तो ये सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन है। अब व्हाई वी नीड की, अगला बात आता है कि की की जरूरत को है। चलिए पॉइंट को पढ़ते हैं। की हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एनी रो ऑफ डेटा इन टेबल। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अ टेबल कुड कंटेन थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल, टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। मोर एवर द रिकॉर्ड्स कुड बी डुप्लीकेटेड। बिल्कुल बात सही है कि हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड्स क्या हो, डुप्लीकेट हो, टेबल्स के अंदर हो सकता है ये बात। कीज इन आरडीबीएमएस एंश्योर दैट यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल रिकॉर्ड डिस्पाइट दीज चैलेंजेस। तो कीज क्या कर रही है? कीज आपको जो रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर, जो हमारे रिकॉर्ड्स जिनको हम रो बोल रहे हैं, जो डेटा है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ना हो, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? डेटा डुप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी हो सकती है, मतलब डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें करेक्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट हमें क्या नहीं मिलेगा? करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है? अलाउज यू टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। बिल्कुल, कि रिलेशनल डेटा बेस मॉडल के अंदर हमने ये बात करी थी कि जो टेबल्स उनके बीच में रिलेशन होता है, तो कीज के हेल्प से ही इन टेबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प यू टू एनफोर्स आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ रिलेशनशिप रिलेशन। ठीक है, और क्या हेल्प करती है कि जो आपका रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है वो क्या रहे? यूनिक रहे और कंसिस्टेंट रहे। तो टेबल का ये भी, कीज का ये भी काम है कि जो भी हमें टेबल से डेटा चाहिए वो एक कंसिस्टेंट में चाहिए और डुप्लीकेशन ना हो। तो हमें बहुत बड़े एरर से, मतलब प्रॉब्लम से कीज हमें बचाती हैं, क्योंकि टेबल्स के अंदर डुप्लीकेशन हो सकता है। उस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हम कीज का यूज करते हैं, और कीज के यूज से आप हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन और टेबल्स के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए, व्हाई वी नीड कीज इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल है, समझ गए होंगे आप। अब देखो, जैसे कि यहां बात करें, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये एक टेबल है बच्चे, इसमें देखिए कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5। अब देखिए रिकॉर्ड में क्या है, हमारे पास कॉलम है स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन, एज। तो बच्चे अब देखिए कीज क्या करेंगी। अब यहां पे देखिए कुछ रिकॉर्ड्स क्या है, डुप्लीकेट है, जैसे कि नेम दो बार रिपीट हो गया, डुप्लीकेशन हो रहा है। अब ये दोनों रिकॉर्ड हमें पता है कि डिफरेंट है, ठीक है, नेम सेम हो सकते हैं किसी के भी, बट दोनों रिकॉर्ड डिफरेंट है। बट अब डिफरेंट कैसे पता करेंगे? तो यहां पे देखिए स्टूडेंट आईडी जो है वो हमें डिफरेंस बता रही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट होती है। जैसे आपके क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंस होता है, हर टीचर की आईडी डिफरेंट होती है, वैसे यहां पर स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट है। तो इस कॉलम की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड में यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड में यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं इस कॉलम की वजह से, जो स्टूडेंट आईडी है, क्योंकि हर एक आईडी डिफरेंट है, यहां 1 2 3 4, तो ये हर एक रिकॉर्ड को क्या कर रही है, यूनिक बना रही है। स्टूडेंट आईडी क्या बना रही है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बना रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे कीज की तरह काम करती है, रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल के अंदर कीज की तरह काम कर सकती है। नेम को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नेम में देखिए डुप्लीकेशन हो रहा है। एज में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एज में भी डुप्लीकेशन हो रहा है, देखिए 17 17 19 19। तो एज और नेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब फोन नंबर यूनिक हो सकता है, तो यूनिक हो सकता, हम कह सकते हैं कि इसको भी हम कीज बोल सकते हैं, क्योंकि यह भी हेल्प कर रहा है हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाने में, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। तो स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर क्या हो सकते हैं, कीज हो सकते हैं। अब ये कौन सी कीज हो सकते हैं, इसकी बात हम आगे करते हैं। समझ आ गई होगी बात आपको। अब देखिए हमें जो सिलेबस के अंदर पढ़नी है, ये फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज पढ़नी है,
ये फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज पढ़ ली, पहले तो नाम याद कर लेते हैं, कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज, कंपोजिट कीज, फॉरेन कीज, ठीक है। चलिए तो एक एक करके बात करेंगे हम सारी कीज पे। सबसे पहले बात करेंगे हम कैंडिडेट कीज पे। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कॉलम टेबल के अंदर होगा जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करेगा। ये बात करी जैसे कि प्रीवियस में देखा स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर, दो ऐसे कॉलम थे जो हर एक रिकॉर्ड को क्या बना रहे थे, यूनिक बना रहे थे, ठीक है ना। कैंडिडेट कीज क्या होती है इसको याद रखना है। कैंडिडेट कीज आर दोस एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम, एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम या और फील्ड, दैट यूनिक आइडेंटिफाई रो ऑफ द टेबल। तो जैसे कि मैंने बोला किसी टेबल के अंदर दो या तीन चार कुछ ऐसे कॉलम हो सकते हैं जो रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे होंगे, जो रिकॉर्ड को क्या बना रहे होंगे, यूनिक बना रहे होंगे। और जितने कॉलम रिकॉर्ड को यूनिक बनाएंगे वो सारे कॉलम्स को हम बोल सकते हैं, वो सारे कॉलम्स क्या होंगे, कैंडिडेट कीज होंगे। आपके स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर रोल नंबर, नेम, अटेंडेंस, डेट और फोन नंबर, तो इसमें बहुत सारे कॉलम है। अब हमें वो कॉलम चेक करने हैं कि जो कॉलम क्या कर सके, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हो, जैसे कि रोल नंबर बना सकता है और फोन नंबर वाला कॉलम बना सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का फोन नंबर डिफरेंट होगा और हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोन नंबर और रोल नंबर वाला कॉलम दोनों ही कैंडिडेट कीज हैं, ठीक है। और प्राइमरी की ऑफ टेबल इज सिलेक्टेड वन ऑफ द कैंडिडेट कीज। अब यह बात आपको आगे चल के समझ आएगी, पांच मिनट बाद समझ में आएगी कि प्राइमरी की क्या है। अब प्राइमरी की क्या होती है बेटा, उसको हम बाद में आगे बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अब इस पॉइंट को छोड़ते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट कीज हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द प्राइमरी की, एक्सप्लेन अबव, देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट कीज इन अ टेबल। और हम ये बोल सकते हैं कि टेबल्स के अंदर कई सारे कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं वो। जैसे कि इस प्रीवियस वाले में स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर, दीज बोथ कॉलम्स आर द कैंडिडेट कीज बिकॉज दीज कॉलम्स आर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ये टेबल का, ये कॉलम्स क्या कर सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हर एक रिकॉर्ड का, तो ये कैंडिडेट कीज है। सिंपल सी बात समझ में आ गई, ठीक है। और मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, ये बात यही कह रहा है कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे कि प्रीवियस टेबल के अंदर दो थी, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब ये टेबल देखिए, टेबल में रोल नंबर है, हमने वही एग्जांपल दिया आपको, फोन नंबर है, ये दो कॉलम बेटा एक ऐसे कॉलम है जो कि इस टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो रही है, डुप्लीकेट नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बट नेम सेम हो सकता है, एज भी किसी की सेम हो सकती है, तो नेम और एज कैंडिडेट कीज कभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्या हो सकता, नेम सेम होगा, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। तो देखिए इस टेबल के अंदर तो ये दिखाया है एरो से कि ये कैंडिडेट कीज हैं, ये दोनों क्या हैं, कैंडिडेट कीज हैं, ठीक है, कैंडिडेट कीज है। अब यहां पे भी देखिए, ये भी स्टूडेंट नाम की टेबल है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब ये दोनों कॉलम क्या कर रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम इनको, कैंडिडेट कीज बोल रहे। क्या बोल रहे बेटा, कैंडिडेट कीज बोल रहे, नेम को नहीं बोल रहे, क्योंकि नेम माइट बी रिपीट, नेम रिपीट हो सकता है, किसी का भी नेम सेम हो सकता है, बट किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कभी सेम नहीं होगा, तो ये कैंडिडेट कीज के बोले जाएंगे, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर दो कैंडिडेट कीज है, ये एक है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, तो कैंडिडेट कीज उन्हीं कॉलम को बोलते हैं जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं आपके टेबल्स के रिकॉर्ड को। और कैंडिडेट कीज मल्टीपल हो सकती है टेबल के अंदर, एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे भी देख लीजिए, इस टेबल के अंदर देखिए समझ आ जाएगा आपको कि भाई स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ईमेल किसी का सेम नहीं होता कभी भी, तो ये तीन कॉलम ऐसे हैं बेटा जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, ये तीन कॉलम ऐसे हैं तो हर एक रिकॉर्ड को क्या बना रहे हैं, यूनिक बना रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल क्या है, कैंडिडेट की है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंडिडेट कीज कौन से कॉलम होते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बात आती प्राइमरी की, तो अभी हमने बात करी प्राइमरी की,
तो बच्चे अभी हमने कैंडिडेट कीज की बात करी कि कैंडिडेट कीज क्या है, कि वो कॉलम्स है टेबल के अंदर जो कि आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, और किसी भी टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती है, ये भी हमने देखा। अब प्राइमरी की क्या है? देखिए प्राइमरी की भी एक की है जो कि आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, बट एक बात यह है कि एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है। और कौन सी प्राइमरी की होगी वो कैसे पता चलेगा? प्राइमरी की ऐसे पता चलेगा कि आप पहले चेक करेंगे कि आपके टेबल के अंदर कौन से कॉलम हैं जो आपको यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से कॉलम हैं जो कि आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कैंडिडेट कीज क्या है, यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉलम हमें लगेगा कि जो भी कॉलम क्या है जो यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, उसी में से एक कॉलम पिक कर लेंगे, उसको प्राइमरी की पे सेट कर देंगे। जैसे कि स्टूडेंट रोल नंबर, ये कॉलम ऐसा है कि जो कि आपके हर एक रिकॉर्ड को डिफरेंट करेगा, यूनिक बनाएगा, तो इसी कॉलम को पिक करके क्या कर लेंगे, हम प्राइमरी की बना देंगे। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा था वहां पे कि हम कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट की में से कोई एक कॉलम उठाते हैं जिनमें से हम उसको प्राइमरी किसी एक कॉलम को बना देते हैं। ठीक है, क्लियर। प्राइमरी की कॉलम ऑफ अ टेबल और सेट ऑफ अ कॉलम दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेबल यूनिक। तो प्राइमरी की भी यही काम करता है कि हर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, ये बात को याद रखना, स्टार कर लो कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। ऑल्सो द प्राइमरी की कैन नॉट हैव द सेम रिपीटिंग वैल्यू। भाई रिपीटिंग वैल्यू तो नहीं हो सकती, अगर रिपीट हो जाएगा तो यूनिकनेस नहीं होगी, तो रिपीटिंग नहीं हो सकती, रिपीटिंग वैल्यू नहीं होगी, हर एक वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। एवरी वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की हैज टू बी डिफरेंट विद नो रिपीटिशन। रिपीटिशन तो होना ही नहीं चाहिए, हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए प्राइमरी की के अंदर, डिफरेंट होनी चाहिए। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम प्राइमरी की उन्हीं में से पिक करते हैं जो कैंडिडेट कीज होती हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिक आइडेंटिफाई करती हैं, वो कैंडिडेट कीज है, उसी में से एक कॉलम को पिक करके हम क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। बट हमें यह ध्यान रखना होता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉलम को चूज कर रहा होता है जो कि बिल्कुल यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा। तो देखिए इस टेबल के अंदर कॉलम हमारे पास रोल नंबर, नेम, एज, जीपीए। तो रोल नंबर को हमने क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दिया है। ये कैंडिडेट की भी है क्योंकि कैंडिडेट की ही यूनिकनेस होती है, उसी में से ही पिक करते हैं, तो ये कैंडिडेट की भी है और इसको हमने प्राइमरी पे सेट कर दिया है। अब प्राइमरी का मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, मतलब इनमें वैल्यू खाली नहीं रह सकती, ब्लैंक वैल्यूज नहीं हो सकती। यह बात कंसीडर की जाती है, कंडीशन है कि प्राइमरी में यूनिक होनी चाहिए हर एक वैल्यू और नॉट नल होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं हो सकती, कि आप ऐसा नहीं है कि रोल नंबर में आप ब्लैंक छोड़ दें, नहीं, इसमें वैल्यूज होनी ही चाहिए और यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए, इस बात की कंडीशन होती है। तो जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की सेट करते हैं उस कॉलम में यह बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिक होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। हर एक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी जरूर चाहिए और विथ यूनिकनेस। ओके, इट्स क्लियर। नाउ सी, जैसे यहां पे दो कॉलम है तो ये की बना दिए, देखो की प्राइमरी की, तो हमने क्या किया, इसको प्राइमरी की बना दिया, तो हर एक वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हर एक वैल्यू डिफरेंट है, यहां लिखा है, ठीक है, हर एक वैल्यू क्या है बेटा, यहां पे डिफरेंट है। तो अगर आप कोई भी ऐसी रिपीटिंग वैल्यू, देखिए डी है यहां पे, पहले से अवेलेबल है डी, और ये डी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो डी इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की में यूनिकनेस होनी चाहिए हर एक की, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटिशन। ठीक है बच्चे, नो रिपीटिशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए डी पुश करने की कोशिश कर रहा है, डी वैल्यू, तो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू एंटर रो, एंटर विद डी प्राइमरी कॉल, तो ये क्या है बेटा, रोक रहा है, नहीं नहीं हो सकता प्राइमरी की में। ठीक है, और यूनिक लिखा है, ऑल वैल्यूज आर यूनिक, ठीक है, ऑल वैल्यूज आर यूनिक, क्लियर हो गया। तो प्राइमरी की एक ऐसी की है जो कि कॉलम को यूनिक बनाती है और उसमें वैल्यूज डुप्लीकेशन नहीं करने देती और वैल्यूज को ब्लैंक भी नहीं रहने देती, नॉट नल नहीं, ठीक है, नॉट नल नहीं होना चाहिए, नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट नल होना चाहिए कि वैल्यूज इसमें कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सिंपल सा डायग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इस बात का ध्यान रखिएगा हम कैंडिडेट कीज
में से ही एक एप्रोप्रिएट कॉलम को पिक करते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने पहले टेबल के अंदर यह देख लिया कि कौन कौन सी कैंडिडेट की से, मतलब कौन कौन सा कॉलम है जो कि यूनिकनेस दे रहा है, और जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा कॉलम उसी कॉलम को आप पिक करेंगे, आप क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है। और प्राइमरी की में यूनिकनेस नॉट नल और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। नाउ अब कंपोजिट की क्या है बेटा, अब देखिए कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कुछ साथ साथ ऐसा कुछ मतलब होता है कंपोजिट का। कंपोजिट का मतलब क्या है कि बच्चे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट, कुछ ऐसे कॉलम जो मिलके एक रिकॉर्ड को क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। तो कंपोजिट की इन डीबीएमएस इज अ कैंडिडेट की, कैंडिडेट कीज होती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स एंड इज कैपेबल ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल और रिलेशन। मान लीजिए मैंने अभी बात करी कि अभी स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर, उसके अंदर रोल नंबर और फोन नंबर दोनों क्या है, यूनिक है। तो फोन और रोल नंबर दोनों मिलकर रिकॉर्ड को यूनिक बना सकते हैं, दोनों मिलकर रिकॉर्ड को यूनिक बना सकते हैं, तो इट मींस दे आर कंपोजिट, मतलब साथ साथ। तो दो और दो से ज्यादा कॉलम अगर साथ में मिलके किसी रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, उसी को हम कंपोजिट कीज नाम दे रहे हैं, बस नेमिंग अलग अलग हो रही है। तो दो और दो से ज्यादा कोई यूनिक कॉलम्स, ठीक है, कोई ऐसे कॉलम जो कि रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, उसी को हम कंपोजिट की बोल दे रहे हैं, ठीक है। सारी बात कैंडिडेट कीज से ही आती है, बट उनमें अलग अलग टर्म है। अब जैसे यहां देखिए, अब हमें पता है कि कस्टमर आईडी और ये प्रोडक्ट कोड, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट कोड क्या है, दो ऐसे कॉलम है जो कि रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं, बट ये दोनों कंबाइन करके रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, ये दोनों क्या मिलके, साथ साथ मिलके रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, ये कंपोजिट कीज के उसमें आती है। ये कैंडिडेट कीज तो होंगी ही होंगी, कैंडिडेट कीज होंगी होंगी, बट हम इन दोनों को अगर साथ में ले लें तो नेमिंग बदल जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट कीज बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखिए कंपोजिट की, तो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, ये दोनों रिकॉर्ड, ये दोनों कॉलम ऐसे हैं, ये दोनों एट्रीब्यूट ऐसे हैं कि साथ में मिलकर किसी रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, अगर साथ में मिलकर मतलब बना रहे हैं, ठीक है, तो इट मींस बोथ आर कंपोजिट की, ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए। यह बात का ध्यान रखना कि कंपोजिट की में एक से ज्यादा कॉलम होने चाहिए, एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों साथ में मिलके रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट की बोला जाएगा इनको। अब यहां पे भी देख लीजिए कि रोल नंबर और कोर्स कोड, ये दोनों साथ में मिलके इस एक पूरे रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं, तो ये दोनों साथ में मिलके क्या बोला जाएगा इनको, कंपोजिट की बोला जाएगा, साथ में मिलके कंपोजिट की बोला जाएगा, ठीक है। और ये सब कैंडिडेट कीज की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है, बट टर्म अलग अलग होते जा रहे हैं। तो कैंडिडेट कीज यूनिक रिकॉर्ड्स कॉलम्स हैं, उन्हीं में से हम प्राइमरी की भी सेट कर रहे हैं, उसी में से हम कंपोजिट की भी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन की, फॉरेन का मतलब तो वर्ड तुमने सुना ही होगा कभी ना कभी जिंदगी में। तो मैंने बात करी थी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर बच्चे क्या था, मैंने बताया था टेबल्स के फॉर्म में डेटा था, और हर एक टेबल में कुछ ना कुछ रिलेशन था दूसरी टेबल से। अब वो रिलेशन कैसे डेवलप होगा, एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशन कैसे बनाया जाएगा, तो वहां पर क्या यूज की जाएगी, वहां पर की काम आएगी, जिसका नाम है फॉरेन की बच्चों। तो इन द रिलेशनल डेटाबेस अ फॉरेन की इज अ फील्ड और कॉलम दैट यूज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। तो फॉरेन की वो कॉलम होता है जो कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने में हेल्प करेगा। तो फॉरेन से मतलब हो गया कि अब रिलेशनल डेटाबेस की मॉडल के अंदर रिलेशन कैसे बनेगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज। एक ऐसा कॉलम होगा जो कि दो टेबल्स के बीच में क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा, एक रिलेशन डेवलप करेगा, उसी की को हम बोल रहे हैं फॉरेन की। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट अ फॉरेन की वन टेबल यूज टू पॉइंट प्राइमरी की इन द अदर टेबल। तो अभी इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड इन अ टेबल व्हाइल फॉरेन की इज अ फील्ड दैट इज प्राइमरी की इन अदर टेबल। तो देखो प्राइमरी की क्या कर रही है,
यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशन दे रही है हर एक रिकॉर्ड को, बट फॉरेन की क्या कर रही है, रिलेशनशिप बना रही है दो टेबल के बीच में। यह बात कैसे समझ में आएगी, ये बात अभी समझ में आएगी। देखो अब यहां पे हम बात करें, हमारे पास एक डेटाबेस है, सपोज कर दिया डेटाबेस के अंदर दो टेबल है, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल। अब ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बन पाएगा, फॉरेन की चाहिए। अब फॉरेन की बनेगा कौन, जो कॉलम दोनों टेबल के अंदर कॉमन होगा वो कॉलम एज अ फॉरेन की काम करेगा, एज अ फॉरेन की काम करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक एस आई डी करके कॉलम है जो कि यहां पे है, और हम कह सकते हैं कि यहां पे ये प्राइमरी की, यहां पे ये है, ठीक है, अभी हम प्राइमरी की नहीं बोल रहे इसको। और बच्चे ठीक है, और बच्चे ये सेम कॉलम दूसरी वाली टेबल में भी है, सेकंड टेबल में। तो रिलेशन बन रहा है इन टेबल के बीच में इस कॉलम के थ्रू, इस कॉलम के थ्रू रिलेशन बन रहा है इस कॉलम के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉलम एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, क्योंकि ये कॉमन कॉलम है जो कि दोनों टेबल में है, और इसी टेबल इस कॉलम की वजह से इन दोनों टेबल में आकर आपस में क्या हो पा रहा है, लिंक हो पा रहा है, रिलेशनशिप बन पा रहा है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं बोलूं कि ये प्राइमरी की तो होगा होगा, इस टेबल के लिए ये प्राइमरी की होगा, और इस टेबल के लिए ये वाला कॉलम, इस टेबल के लिए ये वाला कॉलम एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है, ये पॉइंट एक्सप्लेन यहां यही करना था कि इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट फॉरेन की इन वन टेबल इज यूज्ड टू पॉइंट प्राइमरी की अदर टेबल, कि एक टेबल के अंदर जो फॉरेन की है वो पॉइंट करेगी दूसरी टेबल के प्राइमरी की को। तो मतलब ये वाला कॉलम यहां पे एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, बट पहली वाली टेबल के अंदर प्राइमरी की काम कर रहा है, बट ये कॉमन होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशन बन पा रहा है। ठीक है, तो ये फॉरेन की किसको पॉइंट कर रहा है, इस टेबल के प्राइमरी की को पॉइंट कर रहा है। तो ये यहां पे प्राइमरी की है बट यहां पे ये फॉरेन की है। अब जैसे यहां पे देखिए कि ये कोर्स आईडी यहां पे क्या है, प्राइमरी की है, और दूसरे टेबल में अगर रिलेशन बनाए इन टेबल के बीच में तो ये कोर्स आईडी के थ्रू ही बनेगा। तो यहां पे कोर्स आईडी फॉरेन की काम कर रहा है बट यहां पे प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, प्राइमरी की। तो वो पॉइंट जस्टिफाई यहां पे हो रहा है कि वो पॉइंट यही बोल रहा था कि एक टेबल में फॉरेन की जैसे वर्क करेगा, दूसरी टेबल में प्राइमरी की जैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पे फॉरेन की वर्क कर रहा है, यहां पे प्राइमरी की जैसे वर्क कर रहा है। अब यहां पे भी देख लो, यहां पे तीन टेबल आ गई, अब तीन टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, तीनों टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा। तो देखो यहां पे कस्टमर आईडी वाला ये क्या है बेटा, प्राइमरी की होगा इस कॉलम के लिए, अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी की होगा, और इस वाली टेबल के लिए ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, अब देखिए अगर रिलेशन बनाओगे तुम तो प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो मतलब ये दोनों फॉरेन की जैसे काम कर रहे हैं, ये दोनों कॉलम इसमें फॉरेन की काम कर रहे हैं, बट इस वाली टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो फॉरेन की सिंपल वर्ड्स ये बोलते हैं कि फॉरेन की को हम यूज करते हैं जब हम टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। अगर लेक्चर पसंद आया है, और इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कीज से क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना है। ठीक है, मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है जिससे कि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो, सिंपल वे में आप समझ सके और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो बच्चों ऐसे ही और भी क्लास आती रहेंगी इस यूनिट पे। ठीक है, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो बच्चों शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, लाइक करो क्लास को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफाइड भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस भी कर दो कि आपको जब भी मेरी क्लास आए तो नोटिफिकेशन भी बच्चों मिले। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से चीजों को समझता है, लेक्चर ऐसे ही और आते रहेंगे जिससे कि आपका पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी और सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा मैं। टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आपको चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में बैठाना है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच बच्चों।